है पखन। मुबारक 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 जलाल दे बादशाह ताडा धन्नवाद करदे आं खुदावन ताडियां नेकियां वाली भलाईयां वाली वफादारी वाली खुदावन कि हुण तक सानू संभालिया प्रभु जी। फिर तो असीं ताडी हजूरी दे अंदर आ प्रभु जी इस जूम स्टडी दे दौरान प्रभु जी अज दी प्रभु जी इस अमेजिंग स्टडी नू खुदावन साडियां जिंदगियां विच खुदावन सामर्थी तरीके दे नाल तुसीं ब्लेस करन लई जा रहे हो खुदावन महान परमेश्वर। जिन्हें भी तुहाडे बच्चे इस प्रभु जी स्टडी दे नाल जुड़न खुदावन ज्वाइन होण खुदावन यीशु ओ ताडी वड्डी कृपा नू हासिल करन खुदावन यीशु। और अपने प्रभु जी दास डेविड जी नू खुदावन होर दुगना पाखरू दे मसा दे नाल अभिषेक करो और प्रभु जी दुगने पाखरू दे मसा दे द्वारा सानू सिखाउण तां जो असीं पाखरू दे मसा दे द्वारा सिखीए और लोकां तक पहुंचाउण वाले बन जाइए। सारे समय नू तुहाडे हत्थ ने आ प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांगदे आ। आमीन आमीन। Amen, amen, hallelujah. Okay, I'm so happy. We start act Apostle Paul. और मैं बहुत खुश हूँ इस बार प्रेरित पौलुस के बारे में हम जाएंगे आगे और सुनेंगे। Okay, maybe you know very well Apostle Paul. So many times you reading Bible and preaching and teaching many times. हो सकता है आप आपने भी कई बार इस अपोस्टल पॉल के बारे में पॉलुस के बारे में आपने पढ़ा है और कई बार आपने इसके बारे में शिक्षा भी ली होगी, कई बार आपने बाइबल में इसको बार बार आपने पढ़ा भी होगा। In the New Testament, you know, act is history book. और नया नियम के अंदर में जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं तो ये रसूलांत जो कर्ता किताब है, ठीक है, ये एक इतिहास को दर्शाती है। So that we call act is movement of Holy Spirit, evangelical movement of Holy Spirit. और रसूलादे कर्तव्य की किताब जो हिंदी च प्रेरितों के काम कहते हैं, प्रेरितों के काम की जो किताब है, ठीक है, ये परमेश्वर की आत्मा का जो जो उन्नति हुआ, जागृति हुआ है ना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो जागृति हुआ उसको ये किताब दर्शाती है। Because in the act, you know, so many times mentioned about the Holy Spirit, more than 30 times continue talking, Holy Spirit, Holy Spirit. और प्रेरितों के काम के अंदर में प्रेरित पवित्र आत्मा के बारे में बहुत बार जिक्र किया गया है, बताया गया है, अराउंड कम से कम 30 बार प्रेरितों के काम के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। But Holy Spirit, in actor, who write this actor? Maybe you know this is Nook, Dr. Nook. और प्रेरितों के काम को जो लेखक है, लिखने वाला है, ठीक है, वो तो लुका है। So, but in actor, so many people, evangelical, missionary names, so many names display, but. Never mention inside of Dr. Nook. और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा, पढ़ा और जांचा, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर में लुका का नाम कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। But because of this is Dr. Nook, he is from Antiochus. Antiochus, Syria. Antiochus, he's not Jewish. He's in the Greek people. Which one? Sorry. Greece. Hella. Okay. हाँ, understand. So ये लुका था, ठीक है, ये तो अंताकिया का बंदा था और ग्रीस का रहने वाला था, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका नाम का जिक्र जल्दी से नहीं है। In the we now backside I display post very big poster for Apostle Paul, first journey, second journey, third journey, fourth journey, almost okay display so that if like this one you can see it. और हम देखते हैं कि पीछे पास्टर जी ने एक पोस्टर लगा के रखा है, ठीक है, और ये पोस्टर
जो मिशनरी यात्राओं के बारे में वर्णन करता है, पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा और तीसरी मिशनरी यात्रा, उनके बारे में ये वर्णन किया गया है। ओके, वी नो फर्स्ट जर्नी, सेकंड जर्नी, थर्ड जर्नी एंड एक्ट, एक्चुअली एक्ट यू नो नूक नेवर मेंशन इन द यू नो नूक, बट चैप्टर 16 वर्स 11 just that mention about we, not people Apostle Paul or something talking, but now just we are departure from Troa. Okay, chapter 16 verse 11. और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कहता है कि इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। ओके, पर्स 11 पास्ट प्रवीण, ओके डियर, आई रीड इट ऑलरेडी, आर यू ऑलरेडी रीड, ओके 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 ओके, देन हियर मेंशन, ओके वी इज इंक्लूडिंग मी जस्ट राइटिंग यू नो, सो लुक जॉइन इन दिस टाइम। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लूका यहाँ पर इनके साथ में जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम करके जो शब्द आया है इनके साथ में लूका भी उपस्थित था। But when we explain for Luke how we and also in the actor, you know, very important person, two people never mentioned in the actor. First name is Luke, Dr. Luke. Second is you know, evangelical is Tito. Tito is a very important person like Timothy. But so many times Timothy mentioned, but Tito never mentioned. Other apostles, you know, apostles read so many times Tito. Titus. So that why you know Luke and Titus name is disappear in the act have some meaning. और यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरितों के काम के अंदर में दो लोगों का नाम का जिक्र यहाँ पर आता नहीं है, ठीक है। पहला नाम है वो लुका का नाम है, ठीक है, जो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता, और दूसरा नाम है तीतुस का नाम है। तीतुस के बारे में भी हम प्रेरितों के काम के अंदर में नहीं पढ़ते। Okay, I will explain. Okay, when we start for you know first journey, second journey, then okay, when background, not only in the Bible, you when we understand actor, just you leading actor, you don't know very confused. Oh, how you know, you how you remember? But you know, we during this time we you almost you understand actor, you understand all of actors, you know schedule, what happened and the background, then. All of a sudden, you know, New Testament, you understand because of there, what happened there. So writing this, you know, like Thessalonica, first, second Thessalonica, why, like this one, first Corinthians, why, where. This is all of the background story. So that we together, you know, when we, first we journey on the journey, first, second, third, when journey, we study, then also in the Bible. Okay, when, oh, because of there, he start for you know writing for send to letter like this. So if then okay we finish it for this study, maybe you all clear or all New Testament including actor. तो इसके अंदर में जब हम पौलुस के बारे में और उसके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मिशनरी यात्राओं के बारे में जब पढ़ते हैं, तो वहां पे जो मिशनरी यात्राएं हैं, तीन मिशनरी यात्राएं हैं, और इन मिशनरी यात्राओं के दौरान ही हम देखते हैं कि अलग अलग किताबों का वर्णन आता है, कुरिन्थियों की किताब का, तिमुथियुस की किताब का, और अलग अलग किताबों का वर्णन आता है। तो वो क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, ठीक है, इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में और सही तरीके से पास्टर जी के द्वारा जब हम पढ़ेंगे तो हमको इन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। एंड आल्सो व्हाई यू नो इन द कलादिया, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीडिंग कलादिया, इफ नो एनी बैकग्राउंड यू रीडिंग कलादिया सम टाइम, ओ व्हाट दिस मीन, very confusion. Maybe if you cannot understand background, very difficult to understand Galatians. Not only this one, but also other people, other Thessalonica also, all. तो इसी तरीके से गलातियों के बारे में पढ़ते हैं, गलातियों के बारे में वो क्यों लिखा गया, ऐसे क्या क्या
हुआ वहां पर। तो अगर हमको नहीं समझ में आएगा, अगर सिर्फ गलातियों को ही पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से थिस्सलुनी की किताब है, ठीक है, ये चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब हम बैकग्राउंड, इस चीज का बैकग्राउंड स्टोरी जब हम पढ़ेंगे, तो हमको इन चीजों के बारे में पता चलेगा कि इनके पीछे का आखिर में राज क्या है और क्यों ये चीज चीजें लिखी गई है। Of course, I can share with you just from Genesis to Malachi, Old Testament. Okay, no problem. Bibles, chapter and verse, I can share with you. But this is take a long time. Most important is, okay, we understand the underground, the background of Bible. You understand? Then you reading, understand by yourself. So, ऐसा नहीं है कि मतलब उत्पत्ति से लेकर और मलाकी तक मैं आपको बता दूंगा। हाँ, हो सकता है मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो बाइबल है ना, उसके बैकग्राउंड स्टोरी को समझे पहले। जब हम बैकग्राउंड को समझाएंगे तो हमको फिर ये जो स्टोरी की रियलिटी है वो अपने आप हमको मालूम चलेगी कि आखिर में स्टोरी क्यों ये स्टोरी चालू हुई है। इफ ओके even though you're reading Bibles 100 times, okay, more. But if you never study for background, very difficult to understand all. Because of, you know, inside of, you know, meaning is because of background, history or some cultural, many things. Otherwise, you misunderstand many places. तो आप हो सकता है बाइबल को बहुत सारे बार पढ़ो, लेकिन अगर आप बाइबल का जो बैकग्राउंड है मेन है वो आप अगर उसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है, नहीं समझोगे, ठीक है, उसका कल्चर क्या है, ठीक है, उस समय कौन राजा था, उस समय क्या कौन सा माहौल चल रहा था, उन चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमको ये बाइबल समझना हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी फ्रॉम जेनेसिस हाउ वी आर राइटिंग जेनेसिस टू अस we already share, so you something understand our Bible, and also, you know, history, Exodus also, and also, you know, in the all of history of Israel, but during, not only Israel history, but also in the empire history also, we understand empire history and biblical history mixed together, then, oh, very clearly understand. And also, you can, when you're teaching, no any confusion, you can teaching, and you more easily understand the Bible deeply. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ठीक है, तो बाइबल को हम समझने का जब प्रयास करते हैं वो तभी संभव होता है जब हम इसको इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम समझेंगे, ठीक है, और बाइबल को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमको हम दोनों चीजों को हम सब साथ लेकर के, ठीक है, जब समझेंगे तो ऐसा होगा। फिर दूसरी चीज, राजाओं का इतिहास हम लोगों ने सुना है, ठीक है, पुराना उत्पत्ति से का इतिहास और सारे इतिहास को लेकर के, ठीक है, हम लोगों ने सुना। तो इस तरीके से जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, हमको बाइबल समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, हु इज अपोसल, अपोस्टल पॉल? तो सबसे पहले तो सवाल, अपोस्टल पॉल कौन था? ओके, व्हेन वी थिंकिंग न्यू टेस्टमेंट, of course, Gospel, Matthew, and Mark, Luke, and John. सबसे पहले जब हम बात करते हैं सुसमाचार के बारे में, तो सुसमाचार की चार किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। Yeah, as you know, Mark, Matthew is, you know, Apostle Matthew. और मत्ती है वो प्रेरित मत्ती के द्वारा लिखी गई। And Mark is, you know, Mark is nephew of Barnabas. You understand? In the when Pentecost when also when Jesus last offering, last suffering, also you know, Mark house. तो जो मरकुस की किताब है, ठीक है, वो तो बरनबास का जो भतीजा था, ठीक है, उसके द्वारा ये लिखी गई है, जहाँ पर हम देखते हैं जब पेंटिकोस के समय में, उसके बाद में, और जहाँ पर जिनके यहाँ पर भोज होता है, तो मरकुस का घर था। Actually, Mark mentioned in the act also. Mark was, you know, just a nephew of Barnabas, and he because so that he joined first journey with his uncle Barnabas and Apostle Paul together. They, you know, start for the missionary trip, but he, you know, sometime some during this missionary something big problem, very very difficult situation, so he, okay, sorry, handle, I go back home,
so that this story mentioned in the Bible. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका भांजा था बरनबास का, ठीक है, और ये स्टोरी यहाँ पर प्रेरितों के काम में भी हम इस स्टोरी को देखते हैं. And also, oh, she was like a secretary of Apostle Peter. So when Apostle Peter said in writing, besides, because Apostle Peter can speak Aram language, but you know he cannot speak for Greek language. So translator, and also secretary of Apostle Peter. अपोस्टल जो पॉल था उसका सेक्रेटरी के जैसे काम करता था, और उसके लिए जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होता था तो उसके लिए अनुवाद ये करता होता था. एंड ऑल्सो ही जॉइन विद अपोस्टल पॉल मिनिस्ट्री, यू नो एट सम पीरियड ही जॉइन विद अपोस्टल पॉल. They cooperate very well, so wonderful. और ये अपोस्टल जो पॉलुस था उसके साथ में मरकुस ने एक अच्छा रिश्ता बनाया और उसके साथ उसने मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी. So Matthew is disciple of Jesus. So he learn almost listen and study and listen Jesus how talking he remember and write Holy Spirit. Anointing, and he write make write book is Matthew, so that this is from Jesus to Matthew and give us. Sorry, what's the last? Yeah, this book of Matthew is from God, Holy Spirit give Jesus teaching or teach to disciples just 3 years, yeah, he's disciple. So that he from this one also he now talking us by Bible. तो जो मत्ती की किताब है, ठीक है, ये तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये चेलों के पास चेलों को जब दिया गया यीशु मसीह के द्वारा और चेलों के द्वारा और मत्ती ने उस चीज को लिखा और ये वचन आज हम हमसे बात कर रहे हैं. Okay. And Luke. Luke is Dr. Luke, actor. Luke actually Luke, book of Luke and actor, one book. और हम देखते हैं जो लुका की किताब है ना और प्रेरितों की किताब है ना, ये दोनों तो एक जैसी एक जुड़ी हुई किताब है. Not exactly the same one book, but first book and second book like this one, divided. Yeah, exactly. एक book भी नहीं है, मतलब लेकिन ये first book, second book, उस तरीके से ये book जुड़ी हुई है. So when we reading, study for the actor, then okay, especially we reading book of Luke, we reading all Luke last one immediately connect with the actor. You understand? Because this is same, same Luke. Write this one and immediately connect with the actor. So when we study actor, okay, we thinking about the nook is better. तो हम जब study करते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है, तो लुका की किताब के बारे में, लुक तो इसका connection तो प्लेटो के काम की starting से दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लुक खत्म होता है और प्लेटो के शुरू होता है तो connection है इसके अंदर में. तो जब पढ़ते हैं तो हमारे हमको लगता है ये तो किताब सही है करके बेटर किताब लगती है. Who is Luke? तो लुक कौन था? Luke is doctor and also he is a special assistant like a secretary of Apostle Paul. और लुका जो था वो तो एक अच्छा वैद्य था, डॉक्टर था, और डॉक्टर के साथ साथ ही वो पौलुस का एक सेक्रेटरी था. Dr. Luke, when he met Jesus, Apostle Paul, and continue with him, and help him, care him, follow him, learn him, and until Apostle Paul's martyrdom, Dr. Luke continue with him, never deny.
कंटिन्यू विद हिम। और जो लुका था ये तो लगातार पौलुस के साथ में था और अंत तक पौलुस के साथ में रहा, एक बार भी पौलुस को इसने छोड़ा नहीं। इवन जब पौलुस शहीद हुआ तब तक ये पौलुस के साथ रहा लगातार। ओके लुक दिस इज बुक एंड जॉन जॉन इज यू नो अपोस्टल जॉन आल्सो सेम इज यू नो ही वाज अ वेरी स्पेशल डिसिपल नॉट नॉर्मल डिसिपल अमंग 12 डिसिपल हैव थ्री थ्री यू नो वेरी एग्जेक्टिव डिसिपल लाइक दिस वन सो अपोस्टल पॉल नो नो पीटर एंड पीटर जेम्स एंड जॉन थ्री। तो हम देखते हैं यूहन्ना, तो यूहन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, तो यूहन्ना जो था ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था और ये तो उन लोगों के अंदर में भी था जो जो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और यीशु मसीह के करीब ये लोग थे। तो उनमें से तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों बहुत ज्यादा यीशु मसीह के करीब करीबी थे। Okay, so John is most of younger disciple, younger disciples among them. So that he living live in the until after Jesus, Jesus, you know, crucified and resurrected, and also around 7 years, around 100 years old, he remaining disciples. और ये सबसे ज्यादा उम्रदराज बंदा रहा है क्योंकि लगभग यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद में भी हम देखते हैं कि लगभग 100 सालों के आसपास इसका उम्र रहा। Because of all of disciples, as you know, all disciples have martyrdom in the many places, in the Rome or Africa or India, have you know martyrdom, but only Apostle John, he never, he cannot have martyrdom, even though, you know, even though there's many cases, martyrdom cases, but God saved him. So even though he wanted to martyrdom, but God never give an opportunity, martyrdom opportunity. तो जो प्रेरित योहन्ना योहन्ना था और उसको तो कई बार इस तरीके से किया गया उसके साथ में, उसको शहीद करने के लिए कोशिश की गई, उसको मारने के लिए कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको शहीद होने के लिए परमेश्वर की इजाजत नहीं थी, ठीक है, और इसकी वजह से वो तो अपनी पूरी उम्र को होगा उसमें। Who is John? John mom is in Bible mentioned John father, John mom's mentioned. Eh? And his brother. तो कौन था यूहन्ना? यूहन्ना के बारे में जब हम देखते हैं तो बाइबल इस चीज के बारे में बताती है, उसकी माता के बारे में, उसकी माँ के मरिया, उसके माता के बारे में, उसके पिता के बारे में और उसके 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 भाई के बारे में। In the Bible's many case mentioned about the apostle John in the Matthew, Mark, Luke, and also John's mentioned about the you know John, eh? John's story. तो यूहन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती के अंदर में, मरकुस में, लुका में और यूहन्ना में कई बार यूहन्ना की स्टोरी को हम वहां पर पढ़ते हैं, यूहन्ना की स्टोरी हमको मिलती है पढ़ने के लिए। यू नो Jesus actually John is you know how say cousin brother because of John mom and Salome. John mom name was Salome, you understand? Salome and Jesus mom Mary is a sister, real sister. Then we call so just cousin. तो जो सलोमी और मरियम थी ये तो दोनों बहनी बहने थी। तो यीशु मसीह का और जो यूहन्ना था, इन दोनों का रिश्ता तो एक कजिन ब्रदर के जैसे था, चचेरे भाइयों के समान था। You know, we remember, you know, during we reading Bibles, you know, Matthew, Mark, Luke, John, then, okay, sometimes Jesus bring only three people, Peter, James, and John.
सलामी तो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब इन तीनों को चुनते हैं, तो तीन चेलों को जब चुनते हैं किसी भी स्पेशल ओकेशन या काम के लिए, तो इन तीन चेलों को चुना जाता है, उनमें से पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीन चेलों के बारे में वहां पर वर्णन पाते हैं। When Taridago, in the controversial synagogue, synagogue elder, Jairo story. His daughter, 12 years old, when he died, already he died, but she died. So that Jesus go there, but enter in the room, no other disciples cannot, only bring parents and Peter, James. John, bring three people, bring inside. और जब हम जायरस के बारे में हम पढ़ते हैं, या जायरस की बेटी जब मर जाती है, तो वहां पर जब यीशु मसीह को बुलाया जाता है, और यीशु मसीह वहां पर इन तीन चेलों को ही अंदर कमरे के अंदर कोठरी में आने के लिए कहते हैं, जिनमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना था। And the second time is in the Jesus transformed in the high mountain. Hermon Mountain, high mountain. In Hermon Mountain, Jesus transformed, and he met, the Moses and Elijah. So this is then at the time, other disciples in the under mountain, remaining on the mountain, but Jesus bring to Peter, James, John, just only three bring, climb for the high mountain. And transformed. So they saw wonderful things. तो वहां पर भी देखते हैं, जब हेब्रोन पर्वत के ऊपर और यीशु मसीह का जो ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, और उस रूपांतर के समय में यीशु मसीह इन तीन चेलों को पहाड़ पर चढ़ के आने के लिए कहते हैं, साथ में आने के लिए, और उसमें तीनों के तीनों चेले थे और बाकी सारे चेले उस समय नीचे होते हैं। तो इन तीन चेलों का जिक्र वहां पर भी किया जाता है, पतरस, यूहन्ना और याकूब। Okay, and third time, maybe you guess, in the Jesus last night, before sacrifice, before crucified on the cross, just in Gethsemane garden, when he pray, other disciples normal prays, but Jesus bring same Peter, James, John, he bring with him together, so that John listen how Jesus pray, they listen. और आगे भी हम लोग देखते हैं कि गतसमनी के बाग के अंदर में यीशु मसीह इन तीन चेलों को आगे लेकर के आता है, बाकी तो पीछे रहते हैं, लेकिन तीनों को आगे आने के लिए कहता है। और जब ये तीनों आगे आ रहे थे, आगे आने के बाद में वहां पर देखते हैं कि वो चेले यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुन रहे थे वहां पर। First John and James, real brother. John and James is real brother, but James is first martyrdom among the disciples. और याकूब और जो यूहन्ना है, ये दोनों तो खास भाई थे दोनों के दोनों, और इन दोनों में से याकूब जो था वो पहले शहीद हुआ था। When they Jesus and missionary team. They go to Samaria. At times, Samaria, they spread and preaching. Then, okay, Samaria people never accept Jesus Christ, Jesus, the gospel. So that James and John very angry at the time. और जब यूहन्ना और याकूब जब सामरिया के अंदर में प्रचार करने के लिए गए, तो वहां पर उन लोगों ने बिल्कुल भी उस संदेश को स्वीकार नहीं किया, सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया वहां के लोगों ने, और इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मतलब यूहन्ना और याकूब उस चीज को देख करके बहुत अच्छा नहीं लगा उनको। Oh, how in the his character is very 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 strong, yeah. Very strong. Sorry. James and Apostle John is a character very strong and very easily angry. तो और यूहन्ना और याकूब का जो स्वभाव था,
ठीक है, वो बहुत बहुत आक्रोश वाला स्वभाव था, ठीक है, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे, ठीक है, इस तरीके का इनका स्वभाव बताया जाता है। Where in the Bible we can check Bible where in the Luke, okay. He when they saw that Samaria people's neighbor okay Samaria people's neighbors accept Jesus Christ, so that they angry and all ask to Jesus, I want to bring fire, heavenly fire to all fire out to Samaria. और जब वो लोग उस प्रचार को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि मतलब एक वो कहता है कि आकाश से आग आएगी और पूरे सामरिया को नष्ट कर देगी करके। Maybe which Bible? Anybody? Okay, find Samaria. Okay, Samaria. Maybe. Samaria. Many story in the Samaria. Okay. सामरिया के बारे में तो कई And घटनाएं fire. होंगी। Okay. When you thinking then okay I will find a Bible no problem. So that John is even though John is John was very young, so that Jesus on the cross talk to John, mom Mary is my mom is your mom. और ये तो बहुत जवान था उस समय, वो यूहन्ना जवान था, और उसकी वजह से यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरी माता है वो तेरी माता है करके। So that after Jesus after Pentecost and some period Stephen persecuted, so in very strong persecuted in the Jerusalem area, first early church, then okay, John he bring Jesus mom Mary to remove to in the Ephesus. Because of already apostles, established in the church, in the missionary, in there. तो वहां पर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना था उसने तो फिर उसकी माता को वहां से रिमूव करके और इफिसुस के अंदर में वो लेकर के गया, क्योंकि उसका कारण था कि पौलुस वहां पर ऑलरेडी अपनी दाग जमा चुका था और वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा था। So until Mary Jesus mom's Mary he died continues serve to his Jesus mom because of Jesus last order to him. और यीशु मसीह का आखिरी जो संदेश था वो तो योहन्ना के लिए था, उसकी माता की मदद करना। तो जब तक मरियम आती और मरियम ना मरी, तब तक योहन्ना ने उसको संभाला था। And okay John, have you already understand Revelation. At the time already Apostle John around 95 90 year old or 100 year old, very old at the time. तो जब रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की जब किताब को पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की किताब के समय में जब योहन्ना को ये दर्शन होता है प्रकाशित वाक्य का, तो ये उस समय लगभग 100 साल के करीब 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 100 साल के आसपास इसका उम्र उस समय था। Okay, but at the time, all of us disciples, including Peter, everybody's martyrdom, all, including except Apostle John. और उस समय तक लगभग जितने भी परमेश्वर के चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, वो यीशु मसीह के चेले उस समय तक सब शहीद हो चुके थे, सिर्फ एक चेले को छोड़ करके, और वो तो था यूहन्ना, और उसके अलावा सारे चेले उस समय शहीद हो चुके थे। Okay. So that in the Rome Empire, bring Apostle John. Okay, for the all people. Okay, because of they actually
called to empire should be Kyrios, only one Kyrios, Kyrios Lord, Master God. और उस समय योहन्ना को राजा ने बुलाया और वहां पर जो कहते हैं किडियोस करके एक कहता है सिर्फ यही एक गॉड है करके यही एक परमेश्वर है but you know so that other people ta or both already you know kill including Doma you know in Doma in the south India he come and preaching gospel but India your sender kill him और थोमा भी जो था उनमें था जो उस समय शहीद हो चुके थे क्योंकि इंडिया के अंदर में भारत देश के अंदर में थोमा आया था और भारत देश में वो शहीद हुआ था Empire wanted to show to all people okay and okay firing for big pot and inside oil you know boiling oil firing oil and you know bring you know apostle John put inside और like fried like fried in the you know in the boiled oil और वहां पर हम देखते हैं कि जो अपोस्टल जॉन था परमेश्वर का यीशु मसीह का चेला प्रेरित योहन्ना उसको जब उसको तो एग्री नहीं करता उनके उनके देवताओं के ऊपर तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा कड़ाही लेकर के और उसमें तेल डाल करके और नीचे आग लगा करके और तेल को एकदम उबाल करके ठीक है और इसको मारने के लिए योहन्ना को मारने के लिए उस कड़ाई के अंदर में उसको डाला गया but you know but he not die so everybody see, immediately he die fire and still no problem like Daniel's story book of Daniel's story same things so that surprise shock so that Domitian very fear to oh he come out never die come out he's actually because very old man so that so many skin problem skin disease so many heavy skin disease but he come out almost clear you know recovery of all skin what's a surprise everybody not only empire all people's surprise shot oh he's like king तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उसको डाला गया लेकिन वो तो जल नहीं रहा था और उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जैसे तो दानियल के समय में हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो के समय में हम देखते हैं तो उसके योहन्ना के जीवन में भी ऐसा एक बड़ा चमत्कार उस समय देखते हैं लेकिन उसके द्वारा उस चमत्कार के द्वारा कि इसको कुछ नहीं हुआ और सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए राजा भी इस चीज को देख करके डर गया सब लोग डर गए इस चीज को देख करके कि ये कैसे इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ क्योंकि ये तो बुजुर्ग था और इसकी स्किन भी खराब थी लेकिन जब उसके अंदर डाला गया तो इसकी तो बीमारियां भी उस समय कहते हैं ठीक हो गई So Domitian, you know, send him Pammo island. तो जो तिमोथियन राजा था ठीक है तिमोथियन राजा उसने क्या किया कि उसको वहां से निकाल करके कि ऐसे नहीं होगा और उसको दूसरे एक 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 आयरलैंड के ऊपर उसको शिफ्ट किया गया Especially, you know, Mark, actually, firstly, Mark, writing Mark, Matthew, Luke, like this one. This is a little bit similar. Oh, sorry. In Luke, for example, Luke is a Gentile, and also he's a Greek people. So that how he know Jesus? He never meet Jesus Christ. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मरकुस की किताब लिखी गई फिर मत्ती की फिर लुका की इस तरीके से हम किताबों का वर्णन देखते हैं लेकिन जब लुका के बारे में देखते हैं तो उसमें एक और चीज हमारे सामने आती है और वो है कि ये तो अन्य जाति लुका जो था वो ग्रीस का रहने वाला था ठीक है और अन्य जाति पर्सन था और इसने ये तो यीशु मसीह से कभी मिला नहीं ही यू नो मार्क लूक यू नो ही इज फ्रॉम अंतियोक चर्च dispatch him and he met Apostle Paul with Apostle Paul already you know with Apostle Paul go here go there and help and serve and you know everything until you know Apostle Paul's martyrdom continues even though he put into the jail also together Dr. Luke
So that almost, you know, from Apostle Paul teach to Luke. Luke teach us now. तो ये तो इस तरीके से था जब मरकुस के बारे में जब देखते हैं तो मरकुस भी पौलुस के साथ में रहा और जब अंताकिया से पौलुस के साथ में हो जाता है और अंत तक ये पौलुस के साथ में रहा मरकुस भी और लुका भी इसी तरीके से पौलुस के साथ में रहा। पौलुस ने लुका को सारी बातें बताई सिखाई ठीक है और जो जो चीज उसके जीवन में चल रहा था वो सारी चीजें लुका को बताई गई और लुका ने ये बातें हमें सौंप दी। So we remember, okay, Matthew and John is okay. They are the disciples of Jesus. So directly learn all of the gospel from Jesus. और इस तरीके से लुका और मरकुस यीशु मसीह के चेले थे ठीक है और इस तरीके से इन्होंने परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाया। But Mark is Mark listened from study from the Apostle Peter. And you know, Apostle Peter to Mark, Mark and writing. So that actually, Mark is we can call the Peter Gospel. Same, yeah. Because Peter talking and you know Mark, you know, prepared the book. और जो मरकुस की किताब वो लिखी गई और जैसे पत्रस ने जैसा जैसा उसको बोला ठीक है और पत्रस के बोली के अनुसार मरकुस ने उस किताब को लिखा। लुक इज यू नो ऑलमोस्ट थ्रू अपोस्टल पीटर नो अपोस्टल पॉल यू नो टीच टू लुक लुक ओके राइटिंग एंड किबोस और जो लुका है ठीक है वो अपोस्टल पॉल के साथ में रह करके उसने सुना और सीखा और उस चीज को उसने लिखा। एंड आल्सो अपोस्टल यू नो यू नो मत्तेओ मार्क लुक इज जस्ट वी कॉल यू नो सेम व्यू पॉइंट बुक ऑफ सेम व्यू पॉइंट सॉरी सॉरी आई एम नॉट अंडरस्टैंड पर्सन watching you know Jesus activity movement you know just watching same viewpoint writing तो जो यीशु मसीह ने जो काम किया ठीक है बाकी लोगों ने सेम उन्हीं चीजों को वहां पर लिखा है because of Matthew and Luke reference for Mark book of Mark और जो मत्ती और लुका है ना उसको जब उसका जो रेफरेंस है ना वो तो मार्क है करके सो दैट व्हेन सो व्हेन वी रीडिंग अ मत्ती मार्क लुक सो मेनी प्लेसेस सेम स्टोरी और इन किताबों के अंदर में हम बहुत जगह पर सेम स्टोरी भी हम देखते हैं बट जॉन इज डिफरेंट लेकिन यूहन्ना वो तो थोड़ा सा अलग है बिकॉज़ ऑफ जॉन थोड़ी अलग है John already he read book of Matthew and Mark and Luke he already reading book already this book and after 30 years at 40 years something yeah long time and became after like 90 year old or something yeah before he died so he God Holy Spirit anointing him he something more remember. How Jesus preaching? Remember, because never mentioned in Matthew, Luke, Mark, so that he writing John. और जो तीन किताबें हैं मत्ती मरकुस और लुका ठीक है ये तीन किताबों को यूहन्ना ने बहुत अच्छे से पढ़ा और इन तीन किताबों को पढ़ने के बाद में ठीक है जब 40 साल 50 साल और जितना भी समय के बाद में फिर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया ठीक है और यीशु मसीह ने किस तरीके से सेवा किया यीशु मसीह ने किस तरीके से काम किया ठीक है उसका बिहेव क्या स्वभाव क्या ठीक है वो सारी चीजों को फिर यूहन्ना ने लिखा। सो जो बुक ऑफ जॉन नेवर मेंशन अबाउट जीसस बोर्न और समथिंग नेवर स्टोरी neighbors, Shepherd or some you know Gentile, you know, Eastern you know scholar people come or something. And Jesus when childhood, what happened? Never mentioned. Just directly study, you know, like start is very similar. You know, John chapter 1, verse 1,
And Genesis chapter 1, verse 1, just exactly similar, same. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो यूहन्ना ने सीधा शुरुआत किया, ठीक है, जैसे उत्पत्ति एक एक के अंदर में और यूहन्ना एक एक के अंदर में हम लोग देखते हैं, तो उसकी शुरुआत ही अलग है। Okay, we read Genesis chapter 1, verse 1. उत्पत्ति एक उसका एक वचन को पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका पहला वचन। Just one, verse 1 only. आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नु उत्पत्त किया। And John chapter 1, verse 1. और यूहन्ना उसका एक वचन पढ़ेंगे। आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। That's exactly the same, yeah? So, because it was already, you know, all Jesus Gospels, you know, spread, Matthew, Mark, Luke, and also, you know, Apostle Paul's letter, so spread, so that now John, he reading all this book. And finally, you know, Jesus again book. This is again, you know, John is, looks like just a New Testament Genesis, like this one. So, योहन्ना की किताब, ठीक है, वो सारी किताबों को पढ़ने के बाद में एक किताब लिखी गई, ठीक है, और ये किताब तो एक इस तरीके की किताब है जैसे एक नया उत्पत्ति, नया एक शुरुआत फिर से किया गया हो, इस तरीके से इस किताब को लिखा गया। And also, you know, okay, especially, you know, other book, Matthew, Mark, Luke, never mention about Jesus' last sermon, but Holy Spirit, you know, give him anointing and more all of his sermons reminding again. So John chapter 14, 15, 16, you know, before Jesus, Jesus, you know, arrest, just a few, two or 3 hours before, you know, sermon to disciples. Matthew chapter, John chapter 14, 15, 16. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जो आखिरी लास्ट सर्मन बोलते हैं, आखिरी एक सेवा यीशु मसीह की बोली गई है, ठीक है, वो हम और दूसरे सुसमाचारों के अंदर में इस इसके बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यूहन्ना की किताब के अंदर में हम यूहन्ना उसका 14, 15 और 16, ठीक है, ये लास्ट सर्मन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। We remember, okay, Jesus' last play is in the Gethsemane. That, oh, this cup, if possible, you know, hand of me, pass of me. But not, not you know, accomplished, not by my will. Just God, Father's will be accomplished. This very famous play, Matthew, Mark, Luke mentioned this one. और मत्ती मरकुस लुका के अंदर में जो स्टोरी मेंशन की गई है, बताई गई है, वो ये है गेथसेमनी के बाग के अंदर में जब यीशु मसीह पहुंचता है और वहां पर प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर में पूरी हो और तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। ये इस स्टोरी को हम वहां पर इन तीनों किताबों के अंदर में मत्ती मरकुस लुका के अंदर में हम देखते हैं। ओके एंड बट when we reading Bibles, John chapter 17, oh, quite different play. और जब 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अंदर में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और एक अलग ही चैप्टर हमारे सामने आता है। When we reading, you know, Matthew, Mark, Luke, in Jesus Gethsemane play, last play, oh, if possible, you know, pass over me, this cup. Crucified on the cross, this cup pass on me. But John is different. When you know, same after sermon, Matthew, John chapter 14, chapter 15, chapter 14, preaching in the you know, on the roof room, same last supper room in the Mark house, second floor. और यहाँ पर जो चल रहा था 14, 15 और 16 अध्याय के अंदर में,
ठीक है, ये प्रीचिंग चल रही थी और ये अमरकोस की ऊपर वाली कोठरी के अंदर में ये मैसेज चल रहा था और संदेश चल रहा था, वहां पर यीशु मसीह सेवा दे रहे थे। So the, John chapter 14, Jesus mentioned about last verse is okay. Last verse, you see, chapter 14, verse 31, last verse. और जो यूहन्ना उसका 14 अध्याय के अंदर में हम देखते हैं यीशु मसीह जो बात कर रहे थे अंत के समय में वहां पर बात कर रहे थे। Last verse. Chapter 14, John chapter 14, verse 31. इसका आखिरी वचन पढ़ेंगे, 14 का आखिरी वचन पढ़ेंगे। पर इसलिए जो जगत नु मालूम होवे भई मैं पिता नाल प्यार करदा हां तां जिवें पिता ने मेनू आज्ञा दित्ती है मैं तिवें करदा हां उठो एथो चलिए आमीन। Amen. Jesus, okay. Everyone stand up and go out. और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जो कहा कि सब लोग खड़े हो जाएं और हम यहाँ से चलते हैं करके। When Jesus start preaching in the Matthew chapter, John chapter 14, verse 1, don't worry about, don't worry anything, sir. You trust God, you trust me. और 14 अध्याय के अंदर में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो यीशु मसीह ने जो संदेश दिया वो ये था कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पे विश्वास रखो और किसी प्रकार की चिंता तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। And they are going out, you know, just start departure from the Mark house, and you know, Kidron Valley. So many backs, you know, right side, left side, they have so many, you know, vineyard there. और जब वो लोग उठ के जा रहे थे तो उनके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों दोनों तरफ बहुत सारी दाखलताएं वहां पर दाखलताओं के वो थे वहां पे। सो जीसस यू नो ब्रिंग यू नो ग्रेप इन ग्रेप यू नो ब्रांच एंड आई एम पाइन ट्री एंड यू आर ब्रांच फार्मर इज फादर इज फार्मर। और यीशु मसीह ने वहां से एक जो अंगूर की जो दाखलता है उसका एक वो तोड़ करके और वहां पे लोगों को बताया कि मैं दाखलता हूँ, ठीक है, और जो हमारा पिता है वो किसान है करके। Jesus and continue walking from you know going out to Kidron Valley and continue going to you know Gethsemane area. During this period, continue talking, preaching to you know disciples, night time. जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे इस जगह से और गतसमय तक यीशु मसीह जब पहुंच रहे थे तो लगातार यीशु मसीह अपने चेलों से इस तरीके से बात कर रहे थे। Okay, so that Jesus last sermon, last verse is chapter 16, verse 33. और जो आखिरी हम सेवा यीशु मसीह के देखते हैं, सेवकाई देखते हैं, 16 अध्याय उसका 33 वचन। मैं एक गल्ला तुहानू इसलिए आखियां हन जो तुहाडे तुहानू मेरे विच शांति होवे जगत विच तुहानू कष्ट है पर हौसला रखो मैं जगत नू जीत लिया है। ओके टेक हार्ट ब्रेव यू विल विक्टरी बिकॉज़ ऑफ आई ऑलरेडी विक्टरी आई विल गिव यू विक्टरी डोंट वरी अबाउट दैट गेट यू नो वेरी ब्रेवरी होली ब्रेवरी। और परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर बताता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम ढाढ़स बांधो, ठीक है, और मैंने जिस जीता है, ठीक है, तुम भी विजय को पाओगे, ठीक है, और ये पवित्रता का एक जीत हमारे जीवन के अंदर में होगा। इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने चेलों को और हमें इस तरीके का ढाढ़स यीशु मसीह ने बंधाया। ओह एंड चैप्टर 17 जॉन चैप्टर 17 इज जीसस लास्ट सर्मन और 17 अध्याय के अंदर में जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह की आखिरी प्रार्थना के बारे में वहां पर हमें मिलता है। पोस्ट 5 5 वचन को हम पढ़ेंगे। हुन हे पिता तू अपनी संगत दी उस वडियाई नाल जो मैं जगत दे होण तो अगे ही तेरे नाल रखदा हां मेरी वडियाई प्रगट कर।
Oh, Jesus, here, praise quite you when we're reading book of John chapter 17, pray, Jesus pray. Oh, different with Gethsemane's pray. और जब हम यूहन्ना के अंदर में आकर के और इस 17 अध्याय की प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने किया, ठीक है, तो ये लूका मत्ती और मरकुस वहां पर जो प्रार्थना की उसे एकदम हमको अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। And also, here, almost, pray for church, chapter verse 5 to verse 19. Verse 5 to 19 verse 19. और 5 से लेकर के और 19 तक हम इसको एक बार देखेंगे। No, this is no, not, no need. Yeah, this is for pray for disciples. और यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया 5 से लेकर के और 19 वचन तक। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं देखते हैं तो अपने चेलों के लिए अपने जो उनके साथी थे यीशु मसीह के उन सब के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। Jesus, Jesus pray is so wonderful pray here. और यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है अपने चेलों के लिए। Oh, like father in me make one body, same body, one, as same as we all of us, the Christian, also with me in make one body. और जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया उसके अंदर यीशु मसीह ने बोला कि पिता जैसे मैं और आप एक है करके, तो उसी तरीके से ये जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो और मैं भी एक एक है करके, और इस तरीके की यहाँ पर प्रार्थना बताई गई है। Okay, so last pray, okay, verse 26. और आखिरी प्रार्थना हम जब देख 17 का Chapter 26 वचन 17, verse 26. अर मैं तेरा नाम इना उते प्रगट कीता अते प्रगट करांगा ता जिस प्रेम नाल ते मैनू प्यार कीता सोई उना विच होवे अते मैं उना विच होवा। अमें अमीन। अमें अमें एंड आल्सो दिस प्रे फॉर प्रपोजर अकम्पलिश टू वर्स 19 और वर्स 20 वर्स 20 20 वचन को भी एक बार पढ़ेंगे। मैं निरा इना ही लई बेनती नहीं करदा पर उना लई भी जेड़े इना दे वचन नाल मेरे उत्ते निश्चय करनगे। अमीन। This prayer will be accomplished to all of disciples, not only disciples, through these disciples, believe Jesus Christ, just we, all of us, now, Jesus preaching for all of us, not only them, but also all of us, spread, through you, also spread Bible or God's gospel. So Jesus continue preaching them. तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आज और यीशु मसीह का वचन को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं, ठीक है, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने पिता से विनती किया, ठीक है, कि उन सब के ऊपर यीशु मसीह की आशीष आने के लिए। And also, in the John, is other gospel book never mentioned, but many important things, mentioned about in book of John. और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत जो स्पेशल स्पेशल चीजें हैं, ठीक है, बातें वो यूहन्ना की किताब में आप पाएंगे। Chapter 21. John chapter 21, आखिरी here mentioned about Jesus recovery authority for Apostle Peter. और 21 अध्याय के अंदर में जब हम देखते हैं, ठीक है, पत्रस के बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, उसका वापस फिर से उसके अंदरूनी जीवन को रिकवर करना, ठीक है, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। Because Apostle Peter said, deny Jesus 3 times. क्योंकि क्योंकि पत्रस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था,
ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम उसका वापस रिकवरी देखते हैं। So sometimes asking, you love me? Do you love me? Do you love me? और तीन बार यीशु मसीह उसे पूछता है, क्या तुम उसे प्यार करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है, क्या तुम उसे प्रेम करता है? And give him recovery. Give him again, you know, give him authority. I would say, feed my shepherd, my sheep. Feed my sheep. Feed my sheep. Three times. और फिर यीशु मसीह ने तीन बार उसको फिर कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। Okay, until now we are based on the book of Matthew and Mark and Luke and John, we are talking. And the next is after book of Jock, okay, book of Luke, we see last verse. Last chapter, last verse. एक बार हम लुका की किताब उसका लास्ट लुक चैप्टर चैप्टर ट्वेंटी फोर लुक चैप्टर ट्वेंटी फोर वर्स 52 ओ नो नो वर्स वर्स 49 टू 53 लास्ट लुका 24 उसका 39 से लेकर के और 53 तक हम एक बार पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ Amen. Here mention about Tom. You stay here, continue. Then you Holy Spirit, you know, open you. और उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहाँ पर रुको करके और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। And Jesus ascend. और यीशु मसीह फिर उठा स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हुआ। Okay, this is last book of Luke. और ये लुका का आखिरी समय हम पढ़ रहे हैं। And okay, connect with act, you know, by Luke, you know, connect act. और लुका का जो संबंध प्रेरितों के साथ में कैसे है ना, वो हम देखेंगे। Okay, so okay, until now, okay, Pastor Pa, thank you. You all of us, Matthew to John, you know, all explained already. So, Pastor Pawan ne, Matthew, Marcus, Luca, aur in chizon ke bare mein explain kiya. Okay, and Master, Pastor Monica also preparing for translate, second translate. Second translation, Pastor Monica. Okay, so we need some understand you know and background of history, background story. When if you pass this in the YouTube, so somebody you know teaching for the background history also important. So बहुत सारे जो लोग YouTube के ऊपर आपको background story आपको मिल जाएंगी अलग अलग जगह के ऊपर, ठीक है, और वहां से भी हम बैकग्राउंड स्टोरी हम लोग देख सकते हैं। ओके एंड अपन फॉर नाउ मोनिका नॉट येट प्रिपेयर्ड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ओके सो अपन फॉर वी टॉकिंग अबाउट अपन फॉर तो हम जब प्रेरित पौलुस के बारे में जब हम जिक्र करते हैं पढ़ते हैं इज रेडी या ओके वी something problem, eh? Okay, Pastor Monica, okay, up there. Okay, Pastor Monica, you stand by? If not stand by, continue or pick answer you all in the post. Don't worry, Pastor, I will. Okay, good. You save Pawan. Thank yeah, you. Take that. And also, Pastor Victor now coming
Five plus, you know, from bank to home. Okay. Yes. Okay. Okay. So, who is in the Bible? It says Saul and Paul. Something confusing. Huh? Some place Saul and some place Paul. और ऐसे देखते हैं कि बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਸਟਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਇਸ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲਸ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਔਰ ਪੌਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਸ ਟਾਸਸ ਟਾਸਸ ਸਿਟੀ ਬਟ ਟਾਸੋ I don't know Punjabi how language Tarsus Tarso Tarsus no? Yeah Tarsus in the Kilikia capital aur Tarsus de vich oh rehnda siga Kilikia di jehdi aa oh rajdhani hai us jagah te oh jehda hai you know at that time Tarsus is you know Tarsus is educational city aur Tarsus jehdi aa oh sachmuch ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਫੇਮਸ ਯੂ ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ ਨੋ ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਟਾਸਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ in never mention in the Bible or apostles which university you know which university study never mention about this one only mention about you know he was a very higher you know higher level rabbi school Gamaliel rabbi school study just only mention this one aur assi dekhde hain ki baki universities da te nahi pata par assi dekhde hain ki Bible de vich vi sanu dekhan nu milda hai ਕਿ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲਈ ਆ ਪੌਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਸ ਯੂ ਨੋ ਅਪੋਸਟਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ ਨੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਯੂ ਨੋ ਲਾਪਿਸ ਕੁਰਸ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਐਕਟ ਚੈਪਟਰ 26 ਵਰਸ 24 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 26 ਦੇ ਆਏ ਪੜੀਏ ਐਕਟ ਚੈਪਟਰ 26 ਵਰਸ 24 ਯਾ Okay, Pastor Praveen. Act chapter 26, verse 24. 24-25. ਕਿ ਹੇ ਪੌਲਸ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਫੇਸਤੁਸ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਨੋ ਕਾਰਬਨ ਆਫੀਸਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਨਿਊ ਕਾਰਬਨ ਆਫੀਸਰ ਪੈਸਟੋ ਹੀ ਟਾਕ ਟੂ ਅਪੋਸਟਲ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਸਤੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੌਲਸ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਆਫੀਸਰ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੇਮ ਯਾ ਸਿਮਿਲਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਓਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਵੈਨ ਜਜਮੈਂਟ ਦੈਨ ਓਕੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਡੇਟਾ ਹੂ ਇਸ ਹਿਮ ਆਲ ਡੇਟਾ ਯੂ ਨੋ
so many data, so many evidence, data, everything, you know, report them. So teaching or what is that, who is poor, what happened, almost they prepared, the official they prepared for reporting, so that he know, oh, he which university, which Tassos, which very famous in which university creator and something. So wow, you very very higher levels, you know, educational. So you became crazy like this one. और सानू फिर इस गल तो पता लगता है कि जिहड़ा पैसल सीगा ऑफिसर सीगा उसने की किया कि सारा डाटा जिहड़ा सीगा वो पॉलिस दा कढ़िया और उसनू फिर इस गल तो पता लगा कि हाँ एक गमलील दे हेठ रह के इसने सिक्ख्या नू ग्रांट किया है, काफी वधिया यूनिवर्सिटी दे विच पढ़िया है और होर भी उहदे बारे सारी जानकारी जिहड़ी सीगी उसने इकट्ठा की। ते फिर इसलिए फिर वह कहता है उसनू कि तेनू बाली सिक्ख्या ने जिहड़ा है वह कमला कर। Like this way, of course, very famous university in Rome Empire, and he created. So, like, how I say, Delhi University, one number one, India is Delhi University, or India University, I don't know. Okay, number one university, oh, then everybody, oh, see, oh, you are Delhi University created, or oh, you are very higher level, like this one, immediate distinction. और इस करके असीं देखदे हां कि जिहड़ा तरसुस दे विच जिहड़ा सीगा पॉलस जदों रह के सिक्ख्या ग्रहण कर रहा सी अच्छी यूनिवर्सिटी दे विच, जिवें असीं देखदे हां कि दिल्ली दे विच जां साडे पंजाब दे विच मेन यूनिवर्सिटीज जिहड़ियां ने GNDU हो गई या PTU हो गई, इदां ही मेन जिहड़ियां वधिया यूनिवर्सिटीज सीगियां उहनां ओहदे विच रह के उसने वधिया यूनिवर्सिटी च रह के जिहड़ा सीगा अपनी सिक्ख्या नूं ग्रहण कीता सी और इस तों ही अनुमान लगाया। And also he studied in the Lapis school in the Gamaliel, very number one Lapis school academy, like on PhD or THD like this one. Dr. Robert said, now we're thinking like a Dr. Corson. और ऐसी सोच सकते हैं कि उसने गमलील दे ट्रैक के डॉक्टरेट भी जड़ी या की थी और इस करके असी उसनू जैसे PhD या होर जड़ियां उच्चियां सिक्ख्यावां दी पदवी जड़ी हुंदी है वो उसने ग्रहण। So he study, you know, he study very higher, you know, in the educational and also very higher study in the Old Testament. So he all understand all in the Greece, all of culture and, you know, scholar. And also he studied for the Old Bible, Old Testament, all everything very different. और उसने सिक्ख्या के खेत्र विच भी जड़ा काफी जड़ी सिक्ख्या ग्रहण की और रब्बी स्कूल दे विच रह के भी उसने जड़ा सिगा पुराने नियम दे बारे और हर एक तरीके दे नाल पुराने नियम नु जानदा सी, गहराई नु जड़ा सिगा वो जानदा सी, इस तरीके दे नाल उसकी नॉलेज जड़ी सी काफी हाई सी। When he preaching, he had, you know, already had ID card of you know, passport of the Rome Empire. और उसके कोल जड़ा सीगा रोम दा पासपोर्ट भी हैगा सीगा। Because this Rome citizenship is very very important because just only limited people, just royal family, just some of royal family they get, you know, Rome citizenship. So that if I have the Rome citizenship, go any place, protect, you know, Rome Empire. और असीं देखदे हां कि जिहड़े रोम दे विच काफी रिच परसन सीगे जां जिहड़े काफी अहुदेदार परसन सीगे उहनां दे कोल ही उत्थों दी सिटीजन हुंदी सीगी रोम दी, उह नागरिकता लैंदे सी और पर असीं देखदे हां कि पॉलस दे कोल भी उह नागरिकता है सी और उहदे द्वारा ही जिहड़ा आ कई बार उसनूं जिहड़ा सीगा उह बचा लिया गया, उसनूं कई बार खतरे दे उपरों जिहड़ा सीगा बचण दा मौका मिलिया। सो ही ऑलवेज यू नो इन द बाइबल व्हेन ही सॉ द एपिसोड So the missionary come back and some when arrested in the Jerusalem at the time, he talked to, you know, a thousand leader of his army talk to him. I'm Sir Rome, I'm Rome citizen people. So they surprised. और ऐसे देखते हैं कि जो अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जो यरूशलम के विच आता है तो फिर वो काफी ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮੀ ਰੋਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਮੀ। ਸੋ ਕਮਾਂਡਰ ਰੂਸ਼ੀਆ
asked him, okay, I Paul, I am also have a Rome citizenship, but I pay big money and I buy vote and citizenship. How you get? Oh, I'm when I born, just a born baby, already I get. Because father and mother already have, so I get this one. So, Lucia, comment Lucia, surprise. Oh, you're better than me. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ But you know, in the when we reading Bible, Act and the second journey at times in Philippi, you know, then okay, they beat to Apostle Paul and Silas, beat and put into jail. A famous story. Sorry, Pastor, repeat again. When second, you know, in the Philippi's second journey at the time. Philippos, somebody, you know, sue to governor. So governor, so many policemen beat them and put into jail. Peter and Sheila. और ऐसे देखते हैं कि जो तो दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जो तो फिलिपस दिवे चे जो तो हम देने और उस समय की हम दाय कि जोड़ा सिलास हम दाय और जोड़ा पत्रस हम दाय उन्हानु जोड़ा या वो उस जगह पे जड़े कुछ कमांडर ने उन्हें मार दे कुट देने और उन्हें जेल दे कुछ पा देने ओके एक्ट चैप्टर 16 वर्स 22-23 16 अध्याय दी 21 और 22 पढ़ेंगे 16-22-23 या चैप्टर 16 वर्स 22 ਤਦ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਊ ਦੇ ਪਿਟਨ ਪਿਲਰ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਅਪੋਰ Because he has just a normal citizenship. If okay, when they arrest the policeman, arrest her and want to then okay, start beat. Stop. I am a normal citizenship. Then everybody cannot. This is if like this one big problem. But Paul never show his passport, his ID card or something. Why? Because of Silla. Silla is backside. Now it's Silla and Paul together. If Apostle Paul show them, Rome citizenship, then immediately policeman, you are policeman, then you stand here. Wait. And they beat, you know, Silla. Because of Silla is, normally Gentiles, they can beat. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ He can pass over. Okay, no problem. Because show my other card, my Roman citizenship. Oh, they never cannot touch them, touch him. But in the Silla, he beat. He nothing, problem. So he never talk. Keep inside. Okay, when he beat, never talk because of Silla will be they will be beat Silla already. So Paul never talk and same situation. This is one of the missionary mentality or
ministry, you know, pastor ministry, you know, mentality. For even though I can, you know, take up some hard time, but you know, because it was my co-worker, same hard time like this one. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਲਾਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿਲਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਬ ਨੂੰ ਸਵੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਯੈਸ ਹਿਸ ਨੇਮ ਪੌਲ ਨੇਮ ਇਸ ਯਾ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪੌਲ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਨ ਇਨ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਬੈਨਾਮਿਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਨਿਆਮਨ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਯੂ ਸੀ ਹੂ ਇਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਯੂ ਨੋ ਬੈਨਾਮਿਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਿਆਮਨ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ Okay, which king was Benjamin tribe? ਔਰ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ In the Bible? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Yes, maybe you, all of you, you know immediately. Because it was King Saul. King Saul was, you know, same Benjamin tribe. ਔਰ ਹਾਂ ਸੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਨਿਆਮਿਨ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ And say, name also same Saul, same tribe is the same Saul. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਗੋਤਰ ਔਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲ ਸੌਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ Because Saul name meaning is Saul meaning is very Saul meaning is great people, big people, great people, yeah. Important people like this one. ਔਰ ਸੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋ ਸਾਊਲ ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਸਾਊਲ ਹਿਸ ਨੇਮ ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੂਇਸ਼ ਨੇਮ ਸੋ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਜੂਇਸ਼ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਗਿਵ ਹਿਮ ਨੇਮ ਸਾਊਲ ਔਰ ਸੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ Okay, anybody in the your parents like Praveen or Basan also everybody pick also everybody when your baby when give them a name you are very small people you are very small very very small people just bottom people maybe nobody give them give baby this name yeah ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਸਨ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ All name, you understand? All name, name is very father and mother and grandfather, you know, make, you know, great name is a very good name. Oh, you are like the number one or very great people or like a successful something. Oh, like this one. Maybe your name almost name meaning like this one, maybe. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ My name is, you know, my name is Heavenly Stone. I don't know why, you know, Korean name meaning is
meaning is my father, you know, give me my father. My father is creed me. Name, my name is you know, Yun Seok Ko. Meaning is Yun is you know my, our family name, but other name is your heavenly stone. You are stone from heaven, like this one. This is the meaning of Korean meaning, actually, this is a heavenly stone, my name. Okay. And Pastor Ji, kehnde ne ki mere jada naam hai, oda matlab eh hai ki jada swarg de vichon ik aaya hoya jada patthar, us de adhar te jada hai, mere maa baap ne ik naam rakhya si mera, inna da naam jada Sukho John jada Korean naam jada inna da hai, main jada inna da chalda hai. और उसका मतलब जिहड़ा वो ये है कि जिहड़ा स्वर्ग दे विचों आउण वाला पत्थर और उस दे आधार ते नाम ओके व्हाट इज मीन पावन व्हाट इज मीन पावन पावन इज विंड विंड या विंड ऑफ होली स्पिरिट लाइक ओ विंड ओ यू आर विंड Yeah. Your window of the Holy Spirit, yeah? Yeah. You bring Pastor Pavanji. Okay. And Pastor Pavanji is at which name another Nam Jadani or oh Dasani Kik Hava Hava name or Pastor Pavanji to see the so he matlab that name meaning Sampuran. Complete. Complete, huh? Yes. Successful, complete, everything. Yes. So good. How is Pasan? Pastor Vasan Masiji, to see the CA. What does it mean? Mic ta dao okay, mic on. Okay, something problem eh? Pastor Vasan si ji tada mic off si mic on kar lo. Okay. So, something problem. Yes, Pastor. Maybe. Yeah. So meaning is almost meaning is good meaning, beautiful meaning, and successful and very good, including me. और ऐसे देखते हैं कि साड़ी सब ना कि नाम जड़े नहीं होना तो कोई ना कोई मतलब है महत्ता है उन्हें नाम दी इसलिए कि साड़ी माँ बाप ने जड़ा नाम रखा और कोई ना कोई खासियत हर एक दे नाम दे विच मेरे और ताडे नाम दे विच है सो दैट यू नो अपोज पोर यू नो पेरेंट्स कुड नेम टू हिम यू आर साउल लाइक लुक्स लाइक किंग साउल यू आर सेम ट्राइब एंड मोस्ट ऑफ आवर ट्राइब मोस्ट ऑफ फेमस पीपल इज साउल किंग साउल सो यू लाइक किंग साउल यू आर ग्रेट पीपल और सॉलुस ना जेड़ा नाम है आ उस दे मां बाप ने भी इससे कारण ही सॉलुस रखा से क्योंकि उस जगह पे सॉलुस राजा से और ओदी आधार पे उन्होंने नाम रखा से कि हां तू भी एक राजे वांग है और काफी जेड़ा महत्ता वाला नाम जेड़ा उसने पटन दिया गया से उसके मां बाप बट इन द बाइबल यू नो फर्स्ट स्टार्ट ऑफ यू नो साउल नेम इज जस्ट नॉट पॉल जस्ट साउल स्टार्ट साउल साउल नेम Sorry, In the Bible, if when introduced to Apostle Paul, then okay, name was Saul. Saul, you know something like this one. और जब वैसी पहली बार जब वैसी Saul Paulus के बारे देखते हैं तो उसके नाम Saulus तो सानू जड़ाया वो जानकारी प्राप्त होती है उस नाम तो सानू देखने मिलता है बाइबल में. Almost in the Bible, Saul and but you know, before when he met Jesus Christ, also
called him. Jesus called him, you know, Saul, why you persecute me? Like this one. और जदों फिर यीशु उसनों मिलता है उसकी मुलाकात यीशु दे नाल होती है उस समय भी ऐसे देखते हैं कि यीशु ने कहता है हे सॉलस हे सॉलस मैंने क्यों सुनता है but you know in the Bible mentioned Saul continue Saul but Barnabas and with Saul Barnabas and Saul you know when first evangelical trip then introduce you know Barnabas and Saul together और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਬਾਸ ਤੇ ਸੌਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ like this one okay so bible mention about the you know in the chapter genesis no act chapter 13 verse 1 ਸੂਲਾ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13 ਦੇ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ पास्टर प्रवीण जी पढ़ो 13 दी किन्नी जी एक एक अंताकिया दी कलीसिया विच कई नबी अते उपदेशक सन अर्थात बरनाबास शिमयोन जो निगर कहौंदा है लुकियुस कुरेने दा एक मनुख अते मनीएल जेड़ा राजा हेरोदेस दे नाल पलिया सी अते सौलस आमीन हो अंतिकुस हैव अ चर्च Just, you know, Antichrist Church, you know, established by Kurene people and Kumura people, Cyprus people. One is Kurene, Kurene Simon, you know, Kurene Simon in the Bible, Kurene Simon in the possibly bring Jesus cross. Yeah, Kurene Simon in the same Kurene people in the Bible mentioned about Kurene people and you know, Kuburo. Kuburo is Cyprus, Cyprus, Cyprus. I don't know Punjabi how it mentioned. In the Kuburo, people, they, you know, established church. और ऐसे देखते हैं कि जड़ा अंताकिया की कलीसिया जड़ी वो किधे द्वारा स्थापित की गई थी शिमोन जड़ा कुरेनी सी का ओदे द्वारा और ल्यूकियस कुरेनी जड़ा मनुख सी ओदे द्वारा इस कलीसिया ने जड़ा स्थापित किया गया Okay. Kuburos, how Kuburo people? Kuburo is very famous people is Panaba. And Panaba sister in the law in the Jerusalem. Very famous, very rich man. You know, Panaba's very rich man. Also his sister also very rich man. His sister is mom of John. Barnabas the jadi bhen si oh bhi kafi ameer si Barnabas bhi bahut ameer si vyakti si aur Panaba is from Kuburo. Panaba's sister is Panaba's sister is Mary, but he is in the mom of John, Apostle John. No, sorry. Not John. Mark. Mom of Mark. Marcus. Marcus, Marcus the Jedi Mata Sigi, O Jedi Sigi, O Uzden Aloda Jeda relation Sida Barnabas. Okay. Here mentioned about in the in first three, like a senior elder is Simon. Niger is Simon. Niger is black color. Black color and Simon. और जड़ा उस जगह ते जड़ा सिगा लीडर सिगा उस सिमोन करके सामने जड़ा है दिखाई देंगे। Yeah, you know, Kurene is like Tripoli. You understand? Tripoli, near Tripoli, Libya, Libya Tripoli. और जड़ा कुरैने या वो त्रिपोली दे लागे जड़ा या उस जगह पे सानू देखने मिलता पाया जाता है उस जगह पे देश नॉर्थ इजरायल नॉर्थ अफ्रीका यू नो इन त्रिपोली ही कम सो दैट समथिंग ब्रेक कलर लिटिल बिट लिटिल मिक्स ब्रेक कलर
नॉर्थ अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ But he is Jewish. ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ So one of from Kubro, from Kurene, he Kurene Simon, he come just visit to because of Passover's Passover festival. So he bring his two son and wife and together visit to Jerusalem, and he watching. Oh, he. When he Jesus, bring cross at the time he watching back beside the Lord, then Jesus, fall down. Then okay, Rome soldier, you come, because it was looks like a little bit black color and was very hairspray, very strong. Oh yeah, you come, me yeah you come and you bring this one. You should help. So he helped to Jesus, cross. Maybe his cross also, Jesus brought also, together here. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕੁਰੇਨੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕੁਰੇਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਔਰ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ Actually, he have no any idea, never thinking this one. Just he visitation, just he tour or watching and enjoying for join for Passover's festival. But he, he unexpected times, Rome soldiers supposedly, bring him. You bring Jesus cross. Or usnu. ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਨ ਜੀਸ ਐਫ ਦਿਸ ਵਨ ਅਲਾਈਵ ਇਸ ਕੈਲਵਰੀ ਕੈਲਵਰੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਜੀਸ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈਡ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੋਸ Then, you understand, in the Simon and his wife and his two son also watching because bring they he bring his his wife and his two son coming together and watching when Jesus crucified on the cross watching what he's God son of God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਯੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਔਰ ਰਫੂਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਹੀ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੋ ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਾਊਨ He joined with with the prayer period with John, in the Calvary, Calvary on the cross, they met together because he bring cross, very he can standing just beside of the cross, and also John and Mom Mary met together, and after all career, then also cursed and many things he surprised. He is Messiah, Son of God. Then, okay, he with together with apostle group and pray together. And the Pentecost fulfill Holy Spirit. ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ
क्रूसीफाई जो हुंदा है यीशु, उस समय भी वो सब कुछ देखते ने और फिर खुद अपने मुंह तो ही अंगीकार करते ने कि सचमुच यही मसीहा है और ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर वो जिहड़े बाकी दे रसूल हुंदे ने फिर वो वापस अपने शहर नहीं जाते पर उत्थे ही रह के जिहड़ा है उन्हां दे नाल संगति करते ने, प्रेयर मीटिंग्स हुंदियां ने उन्हां दियां, और उस तो बाद फिर पवित्र आत्मा जो आंदा है उस समय भी वो उत्थे ही उन्हां दे नाल। Maybe at the time, his very close friend, name was Lugio. Name was Lugio. Also, you know, he when he bring Jesus cross, this is very big news. Everybody watching. Oh, then you know his friend, you know, bring this one. He also follow with his wife, his children together watching until said. So he also accept Jesus Christ, believe Jesus Christ, and pray so that they fulfill Holy Spirit. In the from Kurenai. Kurenai is one name is Simon, one is Lugio. In mention here. और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਾਨ ਕਰੇਨੀ ਔਰ ਲੂਕਸ ਕਰੇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲੂਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਮਾਨ ਕਰੀਨੀ ਔਰ ਲੁਕੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ। So they are early churches Christian and okay when persecuted they spread they some Kurene people Kurene Simon and his friend Lugio and also many of Kurene people and Barnabas you know relative or hometown people Kubro people they join together in the established in the new, Gentile church in the Jewish and Gentile together. You know, they build, you know, establish church in the Antiochus. ਔਰ ਅੰਤਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕਰੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਕਸ ਕਰੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਲਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। You know, when we studied Tibet, then okay, we already still remember Obed-Edom, yeah. Even Obed-Edom never is thinking, but somebody posted, you know, you should care for Ark of God. So he served Ark of God 90 days, 3 months. Then God preaching so much, same age way. Kurene Simon also never thinking, but you know, God. Give him so wonderful opportunity preaching. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। Okay, Psalm chapter 16, verse 13. Chapter 16, verse? Verse 13. 16, 13. 1:3. Romia 16, there is the 13. Okay. ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸੰਦ ਆਖੋ। ਆਮੀਨ। So then chapter okay last chapter 16 verse 13 right? Yes. Okay. Here mentioned about you know in the name was Lupo. Lupo and Lupo mom. Because Lupo mom is my mom. ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਫੂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ। But you know, Cornelius Simon, he has two sons. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
लुपो अलेक्जेंडर एंड लुपो सिकंदर और रफूज अलेक्जेंडर एंड लुपो और यू नो In the Bible, mention about name is at the times early church, very famous pastor or famous, you know, evangelist. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸਿਯਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ Oh, how, you know, in the Bible, you know, mention about oh, Lupo, Lupo, or Lupo's mom is my mom. ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫੂਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ In the Bible mention, you know, Lupo, let me see, Macau, Matthew, Mark chapter 15, verse 21. Marcus, Mark chapter 15. Chapter 15, verse 21. इतनी देर पढ़िए इतनी आयत 15 दिखी Mark chapter 15, verse 21. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰਫੂਜ਼ ਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਵਗਾਰੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆਮੇਨ ਹਿਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੁਰੇਨ ਸਾਈਮਨ ਹਿਸ ਸਨ ਟੂ ਸਨ ਵਨ ਇਸ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਨ ਇਸ ਲੁਪੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਿਅਰ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਕਰੇਨੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਔਰ ਰਫੂਸ It means is at the time early church, everybody know, oh, he's Alexander, Pastor Alexander, Pastor Lupo. Oh, his father is Grand Simon, you know, forcibly bring Jesus cross. Ever surprised, oh, you are. ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਸਿਯਾਂ ਵਾਂ ਉਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ Here means same. Lupo mom is my mom. How you know? It means is you know. Grand Simon wife is my mom. How Apostle Paul old became old man. You know Apostle Paul talk to you know. Kubro Simon wife and Lupo mom is my mom. My mom. ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫੂਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ because as you know Paul Apostle Paul's neighbors get marriage single ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ So when he you know built to Antiochus, Barnabas bring him and together senior pastor is Barnabas and assistant pastor is Saul. Then, okay, more than 1 year they is you know cooperate you know together you know co-work. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਬਾਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂ نو ਇਨ ਦ ਕੋਰੇ ਸਾਈਮਨ ਕੋਰੇ ਸਾਈਮਨ ਹੈਵ ਸਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਯੂ نو ਬਿਗ ਹਾਊਸ ਹੈਵ ਅ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਨ ਇਜ਼ देयर ਆਲਸੋ ਸਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਮਪਟੀ ਐਮਪਟੀ ਰੂਮ So that maybe some little bit big house, so that he invite her because senior elder, okay, invite to you know assistant pastor, young pastor, okay, Paul, Saul at the time Saul, you come and you stay here and serve. So okay, washing cross and take you know breakfast, lunch, dinner, almost serving by wife of wife of you know. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਤਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੌਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲਾਸ ਔਰ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ
और रफूस की जड़ी माता है, शिमोन की पत्नी जड़ी है, वो केयर टेकर की तरह जड़ा है उस जगह पे पॉलस वास्ते जड़ा है वो खाना बनाती है, कई बार कपड़े वॉश करती है, और वो उस जगह पे उन्हां दे 2-3 कमरे जड़े हो सकते हैं उन्होंने घर के विच होण, और उस जगह पे जड़ा सीगा वो पॉलस ठहरदा हुंदा सी, इस करके जड़ा पॉलस अच्छी ढंग दे नाल जड़ा है वो सिकंदर रफूस की माता नूं जानता है, इसलिए कहिंदा है कि रफूस की माता जो मेरी भी माता। When living together at times, two young people, Alexander and Rupo, already called to Apostle Paul, my brother, yeah, elder brother, like elder brother, to call elder brother. So, oh yeah, my brother, like this one, same house, very close. और फिर वो इक्को ही घर दे विच रह के जदों प्रेयर्स करदे ने, प्रार्थनावां करदे ने, इकट्ठे रहिंदे ने, खांदे पींदे ने, और उस जगह ते फिर जड़ा ने रफूस और सिकंदर उसनू कहंदे होंगे कि हाँ तू साडे भरावां वर्गा है, तू साडा भरा है, और वो एक दूसरे दे नाल उहनां दा संबंध इहो जिहा सी। And Lupo mom is a very, very humble and also very noble character. और रफूस की जड़ी माता सी वो बहुत बहुत नम्र व्यक्ति कह सकते हैं सी, और उस जगह पे उदा मतलब बहुत नम्र और केयर टेकर कह सकते हैं, उस जगह पे वो इस तरीके दे नाल काम कर दी। Not only put fly or washing cross, not only this one. Actually, it's a very good face and also very honest and very noble and very humble, so that Paul, Saul already respect her. Oh, wow, so noble and so faithful mom. So called mom. और केवल यही नहीं कि वो एक केयर टेकर की तरह काम करती है, पर वो एक अच्छे विश्वास वाली सी, ईमानदार सी, और अच्छा उदा करैक्टर सीगा, और नोबल सी, नर्म सी, और इन्हां कारणा करके भी जड़ा या पॉलस जड़ा या बहुत रिस्पेक्ट करता उसनू अपनी माँ की तरह जड़ा है वो देखना। Apostle Paul's, you Apostle Paul's, his life. When we thinking his life, no any chance to like very close with like somebody like my mom. Never opportunity, nothing. Only Antichrist. When और ऐसे देखते हैं young still young 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 age. और जदों फिर वो जड़ा पॉलस आ यंग एज च हुंदा है उस समय वो किसे भी किसे होर दा नाम नहीं आया कि किसे नु भी उसने अपनी माता कह के बुलाया होवे, किसी दे नाल भी उसदा क्लोज दा रिश्ता होवे, पर सानू देखण नु मिलदा कि केवल रफूस और सिकंदर दी माता जेड़ी है वो उस कहंदा कि वो मेरी भी माता है, मतलब कि उन्हां दे नाल उन्हां दा काफी क्लोज दा रिश्ता सी, और वो एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते सन। Oh, even though even though Korean Simon, he Rome soldier, falsely, falsely appoint him and bring us to Jesus cross. But like Obed-Edom, Robert also some falsely, but same as God blessing so much. और ऐसे देखते हैं कि जिदा जिहड़ा शिमयोन कुरेनी सीगा भावें कि उहनूं धक्के नाल फड़ के ही उसनूं कहिंदे ने कि हाँ तू यीशु दी सलीब चक, भावें कि उहदा मन ना भी होवे, पर उसनूं पता भी नहीं सी कि अचानक चक जिहड़ा या मैनूं ये इदां मौका मिलना है, फिर भी उहनूं फोर्सली धक्के दे नाल ही जिहड़ा उस सलीब नूं चकाया गया। और इसे तरीके दे नाल असीं देखदे हां कि अबीनादाब दे घर दे विच जदों फिर जिहड़ा सीगा संदूक रखिया गया सी कुछ महीनियां वास्ते, ते उस समय भी ओदा मन नहीं सी, पर उसनु सब कहंदे सन कि नहीं नहीं तुहाडे घर दे विच जिहड़ा आ ओ जिहड़ा नीम दा संदूक रखिया जाएगा, पर असीं देखदे हां कि उसदे द्वारा काफी ब्लैसिंग जिहड़ी आ बिनादाब नूं मिली, और शिम्योन कुरेनी नूं जिहड़ा आ ओ यीशु दी सलीब चुकण दे द्वारा ही जिहड़ा ए ना इह जिहड़ियां ब्लैसिंग जिहड़ियां ओहदी जिंदगी दे विच आईं। Okay, Act chapter 20, chapter 12, verse 25. चैप्टर Chapter 12, verse 25. 12 दी जी आई पढ़ांगे रसूल दे करता। बरनबास
बरनाबास ते सौलस अपनी सेवा पूरी करके यूहन्ना नु जड़ा मरकुस करके सदीदा है नाल लेके यरूशलेम तो मुड़े या हियर मेंशन ऑफ बरनाबास एंड साउल और इस जगह ते सानू देखो ने मिलता है बरनाबास ते सौलुस जड़े ओ इकट्ठे सेवा करदे सी एंड ओके वी रीड सेम सेम चैप्टर 13 चैप्टर 13 वर्स 9 13 दी 9 आयत पढ़िए पर पॉलस ने जिस नु सौलस ने जिस नु पॉलस भी आखीदा है पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो के उस दी वल ध्यान कीता आमीन you mentioned just the first journey evangelical journey in the arrivals Kuburo and when preaching at the time here mentioned about Paul and another name is Saul here mentioned both name aur is jagah te sanu jada ya do naam dekhan nu milde ne ik Saulus jinnu Paulus bhi akida hai do naam jade is jagah te sanu ikatthe dekhan nu milde and verse 13 Saul. और असि देखते हैं कि 13 दी 9 आयत दे विच सानू जड़ा या ओ दो नाम देखने नु मिल रहे ने सौलुस और पौलुस पर असि देखते हैं कि जदों 13 दी 13 आयत देखते हैं उस तो बाद सानू जड़ा या पौलुस दा नाम ओदा ही जिक्र जड़ा देखने नु मिलदा सौलुस दा जिक्र नहीं आंदा एक्ट चैप्टर 13 वर्स 1 ओनली साउल और असि देखते हैं कि 13 दी 1 आयत दे विच भी सानू सौलुस दा नाम देखने नु मिलदा है एंड वर्स 9 Paul and another name Saul mention aur 13 di 9 ayat de vich sanu do naam dekhan nu milde ne ohde Paulus Saulus dono hi and verse 13 Nabal used Saul take off Saul and using Paul aur 13 di 13 ayat de vich sanu dekhan nu milda hai ki us da jehda Saulus naam aa utto hata ditta janda hai par keval Paulus naam hi sanu dekhan nu milda hai mean okay You see, in the Apostle Paul, Paul is, you know, when he, his father give him a very good name, you know, Saul. Saul is great and very big, success. So that very proudly used this name. So when he, you know, in the Tarsus, you know, when student and the university, and also in the Jerusalem. He studied for, you know, Gamaliel's Rabbi Academy. Also used Saul. Everyone used Saul. Never used Paul. और ऐसे देखते हैं कि जो फिर उसके पिता ने माता ने जोड़ा नाम जिसने सॉल उसे दिता सिगा अच्छा नाम उसने उन्होंने सोच के दिता सिगा कि ये ग्रीटिंग्स है इस दिली जा बढ़िया नेम है पर ऐसे देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के विच जो पढ़ता है कोई भी काम करता है उस जगह पे उसका नाम सॉल सी जड़ा है हर जगह पे चलता है पर इस जगह पे हुन उसका नाम जड़ा उस तो उस नु रद्द कर दिया गया केवल पॉलस का नाम हुन सानू जड़ा 13 आयत दे विच बिकॉज़ यू नो पॉल यू नो सॉल ऑलरेडी इन द जेरुसलम लिविंग इन जेरुसलम एंड विद द ज्यूइश सो नो नीड यूज यू नो ग्रीक लैंग्वेज ग्रीक नेम और सम एडिशनल नेम Just Saul is enough. और जदो फिर सॉलुस जड़ा यरूशलेम दे विच रहंदा सीगा ते ओ केवल जड़ा अपना उस समय सॉलुस नाम ही जड़ा उसका ही इस्तेमाल जड़ा ओ करदा हुंदा सीगा But when he met Jesus Christ and he Jesus Christ and you know he, after this one he went pray his name is no good because of I'm very They're great people. This is no good. So he needs some. When especially he Antiochus in Antiochus Church, you know, more than 1 year when serving at the time, so many you know not Jewish, some is Jewish, but other so many people is you know Rome people, just Greece people, Hella people. So that so many Gentile. So
Saul, Saul, something. What is Saul meaning? So that, oh, I need some Greek language name. He thinking. और फिर असं देखते हैं कि जो फिर यीशु की मुलाकात उसके नाल हुंदी है, यीशु उसनु मिलता है, तो उस समय फिर जड़ा या उसनु भी उसका नाम जड़ा या वो क्योंकि उस समय उस नाम नु जड़ा या प्राउडली लेंदा होगा कि हाँ मेरा नाम जड़ा बहुत वधिया है और राज है दे नाम ते ही मेरा नाम जड़ा रखा गया है। पर उस तो बाद फिर जो यीशु उसके नाल उसकी मुलाकात होती है, उस तो बाद फिर उसनु लगता है कि मैं जड़ा या वो रोम दे विच ग्रीस दे विच जदों रहना हाँ, तो उस समय उसनु उसके नाम दे नाल ही पुकारा जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैनु अपना नाम जड़ा या चेंज करना चाहिए। He already became a pastor and also became evangelist, you know, or missionary. और उस समय फिर वो एक पास्टर दे ओहदे ते हुंदा है पॉलस जड़ा या, और वो जड़ा या मिशनरी यात्रावां भी करदा है, एक एवेंजेलिज्म दी तरह भी वो जड़ा या काम करदा है कलीसियावां दी स्थापना दे He पता। used other name. और उस समय फिर ये पॉलस ओदा दूसरा नाम जड़ा है वो यूज कीता जांदा। So he wanted to, he quit his name, Paul. It's a very small people. और हुन जड़ा या पॉलस उसका नाम दा मतलब ये है कि हाँ छोटा, Very humble name. बहुत नम्र व्यक्ति। Like me, actually, my father gave me Yun Suk Ko, Korean name. So, the, very good name in heavenly stone. और जिवें कि मेरा नाम है सुखो जॉन, और मेनू मेरे माता पिता ने नाम जड़ा सिगा एक वधिया सोच के ही दिता सिगा कि हाँ परमेश्वर सॉरी स्वर्ग दे विचों आउण वाला जड़ा पत्थर। But when I was studying in university at the time, oh, I need some English name because it was Yun Suk Ko. Oh, the, my foreigner friend cannot pronounce. Oh, like very difficult pronounce. So that I need some English name. Which name is when I thinking. Then oh, yes, David, small David, kill Goliath. So oh, I want David. So. I use David name when you know university student. और इसे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁੱਖੋ ਜੋਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਊਦ। So when I go, so I am some international. So you know, so many country. You know, I visit there. So European and also American and South America or Middle East and Europe. So many countries I visitation. But all so many of my friend, you know, overseas and also in India. But everybody call me David. Nobody know my Korean language name. Nobody know. Only call David. Korean David. और मैं हुण बहुत सारी कंट्रीज दे विच जाना, अमेरिका, जापान, चाइना दे विच भी, होर भी काफी देशां दे विच जाना हाँ। और हुण सब लोग जड़े ने वो मेरे नाम दे नाल डेविड दे नाम दे नाल मैनूं जानदे ने, डेविड दे दाऊद दे नाम दे नाल मैनूं जानदे ने और मैनूं पुकारदे ने। कोई भी मेरा जड़ा या कोरियन नाम जड़ा नहीं जानदा, और किसी नूं भी नहीं पता कि मेरा कोरियन नाम जड़ा की। Okay, my Korean name is my father created me. और जड़ा कोरिया नाम जड़ा सिगा सुखो जोन वो मेरे पिता ने मेरी माता ने जड़ा मेनू दिता सी। Another name David is created by me. और जड़ा डेविड दाऊद जड़ा नाम है वो मेरे वालों रखा गया है। Same as you, Saul is you know very great people. This is created by parents. और इसी तरह जड़ा सॉल उसका नाम सी वो भी उसके माता पिता वालों एक अच्छा वधिया नाम चुन के जड़ा उसनू जड़ा However, Paul is a very small people. Paul is created by himself. और पॉलस नाम जड़ा वो उसके द्वारा रखा गया कि हाँ एक छोटा हम्बल व्यक्ति और नम्रता वाला व्यक्ति जड़ा है उस तरीके दे नाल उसने अपना नाम चेंज करके पॉलस रख लिया।
Okay, then okay, we understand. Oh, why you know, Saul and Paul. Saul is parents give him, and in the Bible mention. Okay, until chapter 13, verse 1, mention about Saul. Continue Saul, but after 9, verse 9, Paul, another name was Saul. Now changing. One is Jewish name, one is you know Greek name, Greek language. You know, so after 30 chapters. Same chapter, verse 13. Cut off Saul name, only use Paul. Continue until he martyrdom. Continue use only Paul. और असीं देखदे हां कि इसे तरीके दे नाल पौलुस दा जिहड़ा नाम आ ओह 13 अध्याय दे विच रसूलां दे करतब 1 आयत दे विच सानू सौलुस करके देखण नूं मिलदा है, फिर 9 आयत दे विच सानू दोन्हें नाम ही देखण नूं मिलदे, पर 13 आयत तों 13 अध्याय दी 13 आयत तों सानू जिहड़ा सिर्फ पौलुस नाम ही नजर आंदा है, उसका सौलुस नाम कट दिता जाता है, और उस तो बाद जिन्ना चिर वो शहीद नहीं हुंदा उसका नाम पौलुस 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 करके ही जिहड़ा सानू देखण नूं मिलदा। Okay, Pastor Messi, can you pray for last pray? पास्टर वसन मिश्र जी, तुसी लास्ट प्रेयर करोगे? माइक माइक ऑन कर लीजिए अपना। ओके फर्स्ट माइक माइक तो डाउन, माइक 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 कंट्रोल माइक ऑन कर माइक दीजिए। माइक माइक Past person, why Mike? माइक अपना पहला ऑन कर लो जी। You tell him, Mike, turn on. Please, Mike, turn on. Okay, pray. ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਖਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਹਾਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਬੰਦ ਅਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਨਾਸ਼ੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿੰਦੇ ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੀਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਲਾਲੀ ਨਾਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Okay, Samsi. Okay.